चुनाव में रोजगार का मसला क्या उठा? बिहार सरकार अब रोजगार के हर रास्ते को ढूंढ रही है और रास्ता मिलता है तो उसमें जॉब देने की तैयारी भी शुरू कर रही है। अब पंचायती राज विभाग की तरफ से पानी की टंकी भरने का जॉब दिया जाएगा। नल जल योजना के तहत वार्डों में बने पानी की टंकी भरने के लिए अनुरक्षक रखा जाएगा, साथ ही वार्ड के हर घर से पानी के बदले 30 रुपए लिए जाएंगे। इस फैसले के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष इसे मजाक बता रहा है तो जेडीयू को लगता है कि राज्य सरकार ने शानदार काम किया है। सरकार देगी टंकी में पानी भरने का जॉब। 1,14,000 रोजगार का खाका हुआ तैयार। रोजगार की तैयारी को विपक्ष ने कहा मजाक। चुनाव में रोजगार का मुद्दा क्या उठा? सरकार पर ऐसा दबाव बना है कि हर स्तर पर रोजगार की संभावना तलाशी जा रही है। ऐसी ही संभावना पंचायती राज विभाग ने तलाश की। सरकार ने 10वीं पास 1,14,000 लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से हर वार्ड में अनुरक्षक को तैनात किया जाएगा, यानी बिहार के 1,14,000 वार्ड में अनुरक्षक रखे जाएंगे। नल जल योजना के संचालन करने वाले अनुरक्षक को हर महीने 5,000 रुपए दिया जाएगा। अनुरक्षक को 2,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा और घर घर से वसूली गई राशि में से 3,000 रुपए मिलेंगे। राज्य के एक वार्ड में औसतन 200 घर हैं। एक घर से हर महीने में 30 रुपए उपभोक्ताओं से लेना है। ऐसे में 6,000 रुपए की वसूली होगी, जिसमें से 3,000 रुपए अनुरक्षक को दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला क्या लिया? बिहार में सियासी पारा 7वें आसमान पर चला गया। विपक्ष को लगता है कि सरकार रोजगार के मसले पर मजाक कर रही है। हमेशा बिहार को ठगने का काम माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं और फिर जो है ठगी का शिकार बनाना चाहते हैं बिहार के गरीब दलित समाज के लोगों को। नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि जल नल योजना के अंतर्गत वो 1,14,000 लोगों को रोजगार देंगे, सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये हास्यास्पद है। दूसरी बात, ये पानी के लिए पैसे, हर घर से वो हर महीने पैसे लेंगे तो फिर ये निःशुल्क कैसे हुआ? लेकिन सरकार की इस रोजगार की तैयारी से जेडीयू गदगद है। जेडीयू दावा कर रही है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 1,25,000 नौकरी देने की तैयारी हो गई है, जिससे विपक्ष को परेशानी हो रही है। बिहार सरकार ने सत्ता संभालने के 3 महीने के अंदर 1,15,000 रोजगार कंफर्म कर दिया और मैं आपको बता रहा हूं कि पाइपलाइन में 20,00,000 से ऊपर रोजगार अभी और है। पानी भरने के जॉब को सरकार बड़ी सफलता के तौर पर दिखाना चाहती है, पर सवाल यह है कि क्या इसी तरह के जॉब से 19,00,000 नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा या फिर परमानेंट जॉब की व्यवस्था होगी, बहाली निकलेगी और वेतनमान पर युवाओं को जॉब दिया जाएगा। नवजीत, जी मीडिया,